टिलानिया डेयर के रास्ता दिखाने के बाद उस डेयर के टिब्बे पर चढ़ रहा हूँ जहाँ से रोज आपको मैं डेयर दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस रास्ते के माध्यम से और गूगल मैप के अनुसार। तो हालांकि हम गूगल मैप इसी में भी दिखाएंगे, वो सामने जो पोल लगा वहाँ से रोड निकलती है और ये हम पहुँचे हैं टिलानिया डेयर। टिलानिया डेयर में हमने बताया था कि जो नदियों के मिट्टी साथ पानी के साथ बह जाती है और वो एक जो अपने क्या कहते हैं उसको, नदियों के पानी के साथ जो मैदानी क्षेत्र बन जाता है उसी मैदानी क्षेत्र में ये नरमा लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले दिन जिस दिन वीडियो बनाई थी उस दिन ये बात कही थी कि ये मैदानी क्षेत्र में सिर्फ नरमा लगा हुआ है और जितना नरमा लगा वो सब डूबेगा उस दिन बांडिया कट में या 12 नंबर कट में या 11 नंबर कट, जो भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसमें पानी जाएगा। तो यहाँ से ड्रोन तो अपने पास है नहीं, लेकिन ड्रोन की फीलिंग और ड्रोन जैसी माहौल आपको मैं दिखा सकता हूँ। ड्रोन इतना ही ऊपर उड़ेगा पानी से जितना ऊपर अपना अभी फिलहाल खड़े हैं टिब्बे पे, तो ये मान के चलो कि वो मंदिर और मकान और वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, छोटी छोटी दिख रही है। वो मेरा वो बाइक दिख रहा है शायद आपको, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। और ये मतलब ड्रोन जैसी आप तो आ गई होगी क्योंकि ये टिलानिया डेर है जो पानी से अब तक पूरा भरा नहीं है। सुबह की वीडियो में आपने देखा था कि माइत ने यह बताया था कि इस ढाणी तक पानी पहुँचेगा ना, तब प्रॉपर बांडिया कट में पानी निकलेगा, प्रॉपर मतलब खुल के चलेगा। हल्की फुल्की चढ़ाई मढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है पानी का दबाव, और उसके साथ अपने साथ है किसान जो इसी डेर में, वो सामने जो मकान देख पा रहेगा इसलिए शायद आपको ना नज़र आए, वो वहाँ पर मकान है, उसी मकान के मालिक अपने साथ हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इन्हीं से लेंगे। बाजी राम राम। राम राम। सारों पहले तो सारा नाम बता दो और एड्रेस बता दो। मेरा नाम है माधिर सुतार। ठीक है। ये टिलानी रहने वाला हूँ। टिलानिया का तो थेर मामने बागड़ी में चलन दो। टिलानिया का तो थेर रहने वाला हो, ठीक है, लेकिन वो दूर का जगह बैठे नहीं, जगह हरियाणा वाला, हिमाचल वाला, महाराष्ट्र वाला, वहाँ भाई ना ठा कौन लागे, एड्रेस के पूरा एड्रेस के वो बता दो। ये सुरतकडू 7 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है। कौन सी दिशा में? ये दिन उगदा काली साइड में। ठीक है। तो वो टिलान डेर है, वो ब्रिज नाम ही कोई टिलानी डेर ही है और कोई नाम को नहीं। नाम को नहीं। ठीक है। तो इन बाद में तो ब्रिज वापस चालो को, बाद में चालो को बांडिया कट में। तो ओ आज ब्रिजन में कितो खाली है, कितो गोर ब्रिज है। कई लोग का 10 फुट पूरी 15 कट भराई है, वो 10 फुट और आओगे अंदर, वो 10 फुट जिया और ब्रिज है। जद बांडियो कट मजा लो चाले को, फिर वो और फुल हो जाएगो, जो नर्मदा नहीं वो बिल्कुल ही डूबने डूब जाएगो। बांडिया कट में पानी मान लो अपन 2 फुट की या 3 फुट की धार की परत की बात करें या मोटी, बटे चाल लगो जो कितो ब्रिज है, 5 फुट जठे 3, अब 2 फुट चाल है बैठे। ठीक है। अब जी 5 फुट हुए तो 3 फुट भराई और ले, 3 फुट भराई और ले, 2 फुट तो चाल के बड़ भराई पानी की। हाँ 3 फुट और ले बड़े, 5 फुट चाल ले की रेतो नीचे कट के और बढ़ाव ले, और बढ़ाव ले मंतिया लागे। अब इन स्थिति के अनुसार देखा जाए तो बड़ा बांडिया कट में पानी चालू ही ना होने आसे, सारा था नहीं है के लागे अभी डाणी का आवेगो पानी चालू है, ता बूढ़िया पे लागे अभी ये सा बटी इंद्र की जड़ में पानी आयो बांगो, जो तो अपने डाणी का मां बड़सी बांगो, कहन को सिस्टम आप पड़े है बांगो, कहन को सिस्टम हो भाई जी, तो सो फिर रस्तो जावे नहीं। हां कोई नहीं साइड, हां वो रस्तो है नहीं, रस्ते की बॉर्डर है, मतलब इ नीचे नीचे रे सिरो बार बार अपने बी टाइम बूढ़िया रस्तो बनायो, रस्ते का नाव को नहीं गद्दी 15 कट पार हो बार बार चालतो है, खटी मां बढ़ जातो खटी बार बार ये सब रास्ते बार। ठीक है। तो भाई आपा आज की स्थिति थाने बता दी भाई, ओ डैम जद यानी कि ओ अपने इस कागजा के हिसाब तो है 11वां समुंदर, 11वां समुंदर हो ये 12वां कट वो है, तो 12वां कट में जद पानी चल लगो जिंदा आगे 12वां समुंदर बनेगो या 13वां समुंदर बनेगो, ने वो कट 11 नंबर वो ही मानी जाए, तो वो माने कट तो ऐसा ए डेर जी का आप बात करा समुंदर बन गया, ये कौन भाई तो पानी आ गया, इन निकासी कौन ही आ गया, जद इन कट कौन माने, लेकिन समुंदर तो माने यहां पा डैम की बात करा, डैम की बात करा, डेर की बात करा, तो 12 समुंदर तो ब्रिज गया, 10 नंबर का 2 डैम है, अब एक मियाणो और एक टिलाणो, दोनों कट्टा का नाम है 10 ही नंबर, दोनों मतलब 10 दोनों 10 नंबर है, जदी तो बिया गिनती तो बिया जदी तो 12वां 12वां आ गए गिनती में,
अब वो ओदियो ब्रिज है, ओदियो ब्रिज बाय पिपेणा डेर ब्रिज है। ठीक है, पिपेणा ब्रिज थी 15 कट के साइड में निकल गई लर डेर, वो बोदियो बंद एक डेर है। थारो जो को अनुभव के पानी देखन लाग रहे हो, स्पीड देखन लाग रहे हो, तो 15 कट तक पानी कद पहुंचेगो? 15 की 10 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, ज्यादा ही लेगा। तो भाई बाकी अपडेट थाने देता रहांगा, और ओ थे देख लियो जी की स्थिति है बा, और अब आपा चाल पड़ा आगे चलांगा जठे बोझल रोड क्रॉस करने लगी की बठे चलांगा, बठे की वीडियो दिखाऊंगा। अरे दरखत है वीडियो में देखन लाग रहे जो का 15-15 20-20 फुट का दरखत है बे, टालियां थोड़ी-थोड़ी रहेगी बे डूबगी, और सामने भी बट जी की सेंटर में देखना रहे ना, दो टालियां को पाक कर बे सेंटर वाली बे, तो लगभग मान के चलो कल दिखनी ना। तो आ चीज नोट कर लियो भी, सुबह आप जी की वीडियो बनाऊंगा ना भी, आ दिखावांगा भी के कंडीशन है। और अब को जी को टाइम है वो 6:50 को टाइम है, पूरी बडोपल डोरे डोले तक है 24 घंटा में 2 फुट पानी चढ़ा। ठीक है, 24 घंटा में 2 फुट पानी चढ़ा। ठीक है, देखो कन्नौर के साइड में एक डोलो लगड़े बिंग ऊपर भी पानी ले लेगे उठुरे। ठीक है, कन्नौर डोले तक। तो भैया सुबह मॉर्निंग में थाने फिर दिखावांगा के कंडीशन है। बे दो टालियां जी की दिखे बांगी थे निशाने राखियो भी, बे सुबह दिखे या कौन दिखे, क्योंकि बे 1.5-2 फुट है इतो की है, तो अंदाजन ठा लाग जाएगा अपने। और अगली वीडियो में फिर मिला।